बिलासपुर स्मार्ट सिटी का तर्ज कहा जाता है। स्मार्ट सिटी कैसा होता है, यही कि जनता को सुविधा देने के बाद सुविधा बंद करके ये शहर के महापौर शरण यादव और वार्ड पार्षद लोगों की समस्याओं से दूर हैं और भूमि पूजन करने से फुर्सत ही नहीं है और तो और शहर की कोई परेशानी से भी मतलब ही नहीं है। अब देखना होगा कि शहर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर आम जनता की परेशानियों से निजात दिलाने का कोई पहल होगी। पूर्व शासन ने करोड़ों खर्च करके सिटी बसों का संचालन किया था ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कुछ समय तक तो ठीक रहा लेकिन धीरे धीरे करके यह सिटी बस कंडम होते जा रहे हैं। रखरखाव का अभाव कहें या फिर देखरेख में हुई लापरवाही, जिसके कारण करोड़ों रुपए पानी में चला गया है और अब सिटी बस का सपना भी अधूरा हो गया। लोग ऑटो से महंगे दामों में सफर कर रहे हैं जिनका किराया इतना ज्यादा रहता है कि आम जनता को जेब खाली हो जाती है। इधर नई सरकार भी बन गई और लोग सोचे कि अब सिटी बस शुरू होगी, लेकिन इस सरकार में भी बस जहां पर रखा हुआ था वैसा ही पड़ा रह गया। दरअसल बसों को इसलिए लाया गया था ताकि आने जाने वालों को इसका लाभ मिल सके और लोगों के पैसों की बचत हो सके, लेकिन कुछ समय तक चलने के बाद फिर वैसा ही हो गया जिसका सपना किसी ने नहीं देखा था। लोगों ने कहा कि कोनी स्थित सिटी बस डिपो में बस खड़े खड़े कंडम हो रहे हैं और इससे शासन को नुकसान हो रहा है। फिलहाल सिटी बस को लेकर कुछ निजी संस्था वालों ने भी चलाने की मांग की थी, उसमें भी कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सिटी बस का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा और इधर ऑटो वाले महंगे दाम वसूल करके लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेब भरते रहेंगे। सिटी बस एक बहुत स्मार्ट सिटी, अगर हम बात कर रहे हैं बिलासपुर एक स्मार्ट सिटी है तो सिटी बस तो अति आवश्यकता है। और सिटी बस का बंद होना आम जनता, शहरवासियों, गांव वासियों के लिए बहुत तकलीफ के विषय है। इसमें कहीं ना कहीं ऑटो वाले को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़्यादा पहुंच रहा है। आज एक गांव से बिलासपुर आए स्टेशन में, अगर उसको रतनपुर जाना है तो ऑटो वाला कम से कम 250 से 300 रुपया उसको लेगा, और वही जब सिटी बस था तो वो ग्रामीण यात्री को 10 से 15 रुपये में वो अपना गंतव्य स्थल पे पहुंच जाता था। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और ये होना नहीं चाहिए, अगर कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी, विपक्ष पार्टी अगर किया या वो योजना चला रही है और वर्तमान में अगर कोई दूसरा पार्टी आता है तो उस योजना को, जो छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत मैं 20 साल से देख रहा हूँ, बंद कर देते हैं। अब वो जो धन, इतनी सारी जो बस, आज आप जाके देखिए, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगा एक बार वो भी जाके देखें जो बस डिपो में क्या स्थिति में सारे बसें खड़ी हैं और वो किनके पैसे से ख़रीदा गया है। कुल मिला के ये हमारे आप करदाता, आम जनताओं का पैसे से ये सारे चीज़ क्रय होता है। और अगर कोई दूसरा पार्टी आके उसको अगर बर्बाद करे तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं इसको बहुत खंडन करता हूँ, विरोध है हमारी, निवेदन करूँगा मैं सब महामहिमों से और आदरणीय धार कराने वाले हमारे शैलेश अध्यक्ष जी को भी उनके ध्यान को आकर्षित करना कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जो इस परियोजना को जल्द से जल्द चालू करें। कम से कम बिलासपुर वासी, बिलासपुर जिला वासी और संभाग वासी सब भाई बहनें, माता बहनी को कुछ तो सुविधा मिले, और कुछ इस महंगाई के दौर में, मोदी जी के जमाने में, हम सब जनताओं को राहत मिले। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।